दोस्तों स्वागत है आपका लेट्स टॉक वर्ल्ड विद प्रभात पोदार में और ये है मेरे क्रेडेंशियल्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं संडे को आने वाले द हिंदू के एक न्यूज के बारे में। देखिए संडे को तो द हिंदू का एडिटोरियल आता नहीं है, लेकिन हमने कहा कि क्यों ना उसकी न्यूज के बारे में आज चर्चा की जाए। ये जो न्यूज आप देख रहे हैं एक छोटी सी न्यूज आई है आज 12 जुलाई को द हिंदू में, राजस्थान टू अडॉप्ट तमिलनाडुज मॉडल फॉर रोड सेफ्टी। तो इसमें ये बेसिकली लिखा है कि राजस्थान तमिलनाडु में जो रोड सेफ्टी के नियम अपनाए गए हैं या जो तरीके अपनाए गए हैं उसको राजस्थान अपनाने वाला है। अब आप देखें तो भाई दो पैराग्राफ की भी न्यूज नहीं है, लेकिन इसने इंटरेस्ट क्रिएट किया कि भाई ऐसा क्या है तमिलनाडु के मॉडल में कि उसको राजस्थान एम्यूलेट करना चाह रहा है। तो इसके लिए जब खोज की गई तो हमको 2019 का एक आर्टिकल मिला इस वेबसाइट पे thebetterindia.com पे। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि तमिलनाडु ने आखिर ऐसा क्या किया है कि वहां पे रोड सेफ्टी बेटर हो चुकी है। देखिए सबसे पहले हाउ तमिलनाडु हैज बिकम अ रोल मॉडल इन रिड्यूसिंग रोड एक्सीडेंट डेथ्स, ठीक है। अच्छा, और ये वाली बात अगर हम माने कि तमिलनाडु ने कुछ इंप्रूवमेंट किए हैं तो इसके कुछ ना कुछ हार्ड फैक्ट्स हैं, बिना किसी बात के नहीं किया जा रहा है। देखिए ये कहते हैं कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2017 में भारत में करीबन 1,47,913 एक्सीडेंटल डेथ्स हुई थी, करीबन 1.5 लाख मृत्यु हुई थी एक्सीडेंटल डेथ्स में, जिनमें से 16,517 तमिलनाडु में हुई थी। ये टोटल फेटालिटीज का करीबन 11% है। अगले साल यानी 2018 में देखा गया कि जो डेथ 16,517 थी वो कम होके 12,213 हो गई, यानी करीबन 24% से ज्यादा हमने रिडक्शन देखा है ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में होने वाली डेथ में। यानी कुछ ना कुछ तो तमिलनाडु ने बेहतर किया है। अब वो क्या किया है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले काम क्या किया उन्होंने, तो आप देखेंगे जो भी डिपार्टमेंट्स हैं इस इन चीजों से रिलेटेड उनमें उन्होंने बहुत ही स्पेसिफिक रूल्स डाले। पुलिस डिपार्टमेंट से कहा गया कि भाई साहब आपको क्या करना है, रूल्स को फॉलो करवाना है, जो भी ट्रैफिक के नियम है आप उनको ढंग से फॉलो करवा दीजिए। हेल्थ डिपार्टमेंट से कहा गया, जो हॉस्पिटल्स वगैरह हैं उन्होंने कहा कि ऐसा सिस्टम क्रिएट करिए, ऐसी व्यवस्था करिए कि जब भी इमरजेंसी आ जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई व्यक्ति अचानक से हॉस्पिटल आए तो उनको किस प्रकार से आपको हैंडल करना है इसके बारे में आपका सिस्टम प्रोसीजर बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट, भाई इनसे कहा गया कि जो लाइसेंसेज आप देते हैं लोगों को वो देख के दे दीजिए, हर किसी को आप लाइसेंस ना दीजिए, प्लस जो ऐसी गाड़ियों को ही लाइसेंस मिलना चाहिए जो फिट हैं, ऐसा ना हो कि भाई पुरानी गाड़ी है जिसके चलने की कोई व्यवस्था नहीं और आपने पैसा खा के उसको फिटनेस का लाइसेंस दे दिया। अंत में हाईवे डिपार्टमेंट से कहा गया कि भाई साहब रोड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन रोड्स की व्यवस्थाएं देखें, ऐसा देखिए कि रोड्स इस प्रकार की हैं या नहीं जहां पे गाड़ियां ढंग से चलाई जा सकती हैं। इसके बाद कहा गया कि भाई इन चारों डिपार्टमेंट को आपस में कोऑर्डिनेशन भी रखना पड़ेगा और ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़ेगा। बहुत सारा डेटा इकट्ठा किया गया और उसको एनालाइज किया गया, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में यहां चर्चा करेंगे। One of the steps that authorities took was divide road in 2 kilometer grids to map accident hotspot in the state. पूरे राज्य में जितनी भी सड़कें हैं उनको 2-2 किलोमीटर के ग्रिड्स में बांटा गया ताकि पता चल पाए कि कौन से 2 किलोमीटर के ग्रिड में ज्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, ताकि ये डेटा हम इस्तेमाल कर पाए वहां पे बेहतर सुविधाएं क्रिएट करने के लिए। बाद में ये पूरा का पूरा डेटा एक ऐप में डाला गया जिस ऐप का नाम है तमिलनाडु ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। इससे पता चला, जब ये पूरा डेटा एनालाइज हुआ इससे हमको पता चला कि करीबन 40% रोड फैटालिटीज जो हो रही हैं, जो एक्सीडेंट के कारण मृत्यु हो रही है, 40% मृत्यु जो हो रही है वो इन हॉटस्पॉट्स में हो रही है जो एक्सीडेंटल प्रोन एरियाज हैं, और ये इंफॉर्मेशन शेयर की गई पुलिस के साथ। अच्छा, यहां पे एक बड़े ही इंटरेस्टिंग पॉइंट पता चला कि जब हमें मालूम है कि यहां पे एक्सीडेंट्स होने की संभावनाएं ज्यादा हैं तो क्यों ना हम यहाँ पास में अपनी एम्बुलेंसेस लगा दें, क्योंकि अगर यहाँ एक्सीडेंट होगा तो एम्बुलेंस ज्यादा जल्दी यहाँ पहुंच पाएगी, प्लस TAEI सेंटर्स इन्हीं लोकेलिटीज में खोले जाएं। ये एक प्रकार के हॉस्पिटल्स हैं जो एक्सीडेंट होने की स्थिति में जिनका एक्सीडेंट हुआ है उनको व्यवस्थाएं दे पाएंगे। जब डेटा को एनालाइज किया गया तो एक बड़ा ही अजीब फैक्ट हमको पता चला,
आमतौर पे माना जाता है कि 70% जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो ड्राइवर की गलती से होते हैं, ड्राइवर्स फॉल्ट माना जाता है। लेकिन अचानक से एक नया डेटा हमारे सामने उभरा कि जो रोड साइज ऑफ द रोड है उसका एक्सीडेंट से बहुत गहरा संबंध है। इससे पहले कि आप सोचें कि छोटी रोड्स में ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, ये डेटा कुछ उल्टा कह रहा है। बड़ी सड़कों पे ज्यादा एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। ये डेटा पता चला जब कहा गया कि 37% रोड फैटलिटीज होती हैं नेशनल हाईवेज पे, 34% स्टेट हाईवेज में और 19% होती है मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स में। यानी जैसे जैसे रोड के साइज कम होते जा रहे हैं, नंबर ऑफ एक्सीडेंटल डेथ्स भी कम होते जा रहा है, क्योंकि जहां बड़ी रोड्स होंगी वहां जाहिर सी बात है लोग शायद ज्यादा तेज गाड़ी चलाएंगे। अगर ऐसा है तो हम क्या कर सकते हैं रोड में स्पीड कम करने के लिए? तो स्पीड ब्रेकर्स लगा सकते हैं, सिग्नल्स लगा सकते हैं, हम वहां पे लोगों को धीरे चलने के लिए आग्रह कर सकते हैं, वहां पे हम पुलिस को ज्यादा खड़ा कर सकते हैं ताकि लोग ज्यादा तेज गाड़ी ना चला जाए। 108 नंबर जो हमारे यहाँ होती है, कभी भी इमरजेंसी व्हीकल है, एम्बुलेंसेस वगैरह, उनको एक्सीडेंटल प्रोन जोन्स के पास में खड़ा किया गया। अच्छा, इससे फायदा ये हुआ जो एवरेज रिस्पांस टाइम है, जो टाइम लगता है उस एम्बुलेंस को एक्सीडेंटल स्पॉट तक पहुंचने में, वो कम हो गया। अर्बन एरियाज में ये टाइम 13 मिनट तक आ गया, पहले ज्यादा होता था, और रूरल एरियाज में ये 17 मिनट तक आ गया, अगेन ये पहले के टाइम से कम हो चुका है। दूसरा फायदा ये हुआ कि क्योंकि ड्राइवर्स के पास जीपीएस की सुविधा है और 108 का ऐप बनाया गया, तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन बताने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया है और वो फोन करके बताना चाह रहा है कि देखिए साहब यहाँ एक्सीडेंट हो गया है, और उसको लोकेलिटी समझानी पड़ती थी जो बड़ा दिक्कत का काम होता था, लेकिन क्योंकि 108 ऐप उन्होंने चालू किया जिसमें ऑटोमेटिकली जीपीएस के कारण जो एम्बुलेंस ड्राइवर है उसको पता चल जाएगा कि आपको कहाँ जाना है। अच्छा, अब यहाँ पे एक सवाल उठ सकता है कि भाई जो आदमी फोन कर रहा है, हो सकता है उसके पास इंटरनेट उस वक्त ना हो या उसके फोन में इंटरनेट की सुविधा ही ना हो। तो ये सॉफ्टवेयर की खासियत यह है कि वो बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी आपको लोकेलिटी बता देगा। दूसरा बड़ा बदलाव जो किया गया वो ये किया गया, जब पेशेंट्स हॉस्पिटल पहुंचेंगे तो उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा, क्योंकि आपने एक्सीडेंट होने के बाद उनको हॉस्पिटल तक तो जल्दी पहुंचा दिया, लेकिन हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट होना है। तो सबसे पहले देखा गया कि अलग अलग कैटेगरीज में पेशेंट को डिवाइड किया गया। पहले से ही देख लिया गया कि अगर हेड ट्रोमा है तो हमें 5 मिनट के अंदर उसका सीटी स्कैन कर लेना है और 15 मिनट के अंदर उसकी रिपोर्ट डॉक्टर के हाथ में होनी चाहिए। इसी दौरान एक दूसरी टीम रहेगी जो पूरा पेपर वर्क करेगी, जो भी इंफॉर्मेशन एक्सीडेंट से रिलेटेड है वो पुलिस को पहुंचाएगी या पुलिस से लेगी, पैरामेडिक्स वगैरह को ये पूरा इंफॉर्मेशन देगी। यानी कहीं पे भी आपका वक्त खराब नहीं होगा। अच्छा, इमरजेंसी वार्ड में उन्होंने नंबर ऑफ बेड्स भी बढ़ा लिया। एक बहुत ही सिंपल लॉजिक लगाया गया कि कभी भी जब एक्सीडेंट हो जाए और पेशेंट को और जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसको उठाया जाए रोड से, उसी वक्त फोन कर दिया जाए पास के हॉस्पिटल में जहां पे वो गाड़ी जा रही है। अगर ये एक्सीडेंट होते ही आपने वो फोन कर दिया है तो हॉस्पिटल रेडी रहेगा उस पेशेंट के लिए जो वहां आने वाला है। इनिशियल जो जो प्रोसीजर्स करने चाहिए आप उसको कर पाएंगे, हैंडलिंग थोड़ी सी बेहतर होगी। बहुत इजी लॉजिक है ये, शायद हर जगह लगना चाहिए। अलग अलग हॉस्पिटल्स को आपस में कोऑर्डिनेट किया गया। देखिए, यहाँ पे एक बहुत सिंपल चीज की गई, जैसा आप यहाँ पढ़ पाएंगे कि कई बार जो छोटे अपराध होते हैं उन पे ध्यान नहीं दिया जाता। ड्रंक ड्राइविंग हो गई, ज्यादा तेज से गाड़ी चलाना हो गया, कोई हेलमेट नहीं पहन रहा, सीट बेल्ट नहीं पहन रहा, इस पे चेन्नई ट्रैफिक पुलिस ने बहुत ज्यादा जोर दिया। एक साल के अंदर 24 लाख केसेस हुए जिसमें करीबन 27 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट हुआ, 4 करोड़ रुपए तो केवल हेलमेट ना पहनने के जुर्माने के तौर पर। अब अगर लोग ये नियम भी पालन करने लगे तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट में होने वाली डेथ्स कम हो जाएंगी। एक दूसरी तकलीफ देखी गई कि चेन्नई जैसे शहर में जितने पुलिस की जरूरत है वहां पे उतने ट्रैफिक पुलिस वाले अवेलेबल नहीं है। 4000 पुलिस ऑफिसर्स की जगह है जिनमें से 500 खाली हैं। अच्छा, जो लोग हैं उनको भी ढंग से डिप्लॉय किया गया या नहीं किया गया? अच्छा, कई जगहों पे वीआईपी इवेंट्स हो जाते हैं तो हो सकता है कई ट्रैफिक पुलिस वालों को वहां भेज दिया जाता है। तो हम अपने कानून को लागू कैसे करें? तो कॉन्टेक्टलेस इन्फोर्समेंट सिस्टम को शुरू किया गया, यानी जो सीसीटीवी होता है, सीसीटीवी लगा दिए गए हर चौराहे पे,
अब कोई भी व्यक्ति अगर ट्रैफिक वायोलेशन कर रहा है तो एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर पकड़ लेगा कि किस गाड़ी ने वायोलेशन किया है, उसका नंबर प्लेट निकाल लेगा और इसका चालान उनके घर में पहुंचा दिया जाएगा। एक ऐप और लॉन्च हुआ, GCPT सिटीजन सर्विस। इसमें जो व्यक्ति, जो आम व्यक्ति सड़क पे खड़ा है और कोई ट्रैफिक वायोलेशन देख रहा है, ये भी इस ऐप में उस प्रॉब्लम को अपलोड कर सकता है, जिससे पुलिस डिपार्टमेंट को या संबंधित डिपार्टमेंट को पता चल जाएगा कि कहां कहां पर ट्रैफिक वायोलेशंस हो रहे हैं। लोगों ने कहा क्यों ना एक सेपरेट लेन बनाई जाए एम्बुलेंसेस के लिए रोड्स के बाजू में, जहां सिर्फ एम्बुलेंसेस चलेंगी, जिसके कारण एक्सीडेंट विक्टिम्स को बहुत तेजी से हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके। अभी ऐसा हो नहीं पाया है, लेकिन ये होना चाहिए। तमिलनाडु ने बहुत ही स्ट्रक्चर्ड अप्रोच अपनाई, डेटा ड्रिवन अप्रोच अपनाई, जिसके कारण हमने देखा कि बहुत तेजी से नंबर ऑफ फैटालिटीज कम हुई। क्या यही चीज हम दूसरे राज्यों में अपना नहीं सकते हैं? तो कहने का अर्थ यह है कि कई बार चीजें उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती जितनी हम सोच लेते हैं उनको। एक इतना बेहतरीन मॉडल है, इसमें भी जाहिर सी बात है इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। उस गुंजाइश के साथ शायद हम हमारे राज्यों में भी इस मॉडल को अपना पाएं। इसी अपेक्षा के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं। कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।